एक्ने पिंपल्स, नाम सुनते ही ढेर सारी दवाइयाँ, कितने सारे इंजेक्शन, क्या क्या दिमाग में आता है। मैम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और जो एक्ने होता है ये होता ही क्यों है? पिंपल्स होता क्यों है? बिकॉज नेचुरली आपकी स्किन में बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स हैं, स्पेशली फेस की स्किन में, उसके ऊपर अब बैक्टीरिया आके जब खाता है तो फिर पिंपल्स बन जाते हैं। और बैक्टीरिया आके खाता क्यों है? बेसिकली आपने अपने पोर्स को क्लॉग कर लिया, चाहे वो नेचुरली क्लॉग हो गए, चाहे वो डेड स्किन एक्यूमुलेशन, या आपने कोई ऑयली कॉस्मेटिक्स, आजकल कॉस्मेटिक्स अब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो जहां आपके पोर्स क्लॉग हुए, ऑयल अंदर एक्यूमुलेट हो गया, स्किन के अंदर ही रह गया, और उसमें बैक्टीरिया के लिए खाना है ऑयल, बैक्टीरिया आके खाएगा और फिर वो पिंपल्स निकलेंगे। अच्छा, पहले एक और हमने देखते थे कि पिंपल्स हुए हैं, इसका मतलब टीनेजर्स को ज्यादातर पिंपल्स या एक्ने होते थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि किसी भी एज में पिंपल्स एक्ने हो जाते हैं। एग्जैक्टली, पहले क्या था कि हम सोचते थे 13 इयर्स का हुआ है, चलो ये तो जवानी की निशानी है और अभी चली जाएगी थोड़े टाइम बाद, बट अब चाहे आप 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, मेल हो, फीमेल हो, ऑलमोस्ट हर किसी को आपको पिंपल्स दिख रहे हैं। सो दे आर, मैं आपको टू मेन रीजंस बताती हूं। एक तो रॉन्ग कॉस्मेटिक्स। अब आपको पता है कि मार्केट में इतने कॉस्मेटिक्स हैं, एवरीबॉडी इज ट्राइंग सम ऑर द अदर। अगर आपके कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा थिक ऑयल बेस है, वो ग्लिसरीन बेस्ड है, तो फिर आपके वो पोर्स को ऑक्लूड करेंगे और पिंपल्स होंगे। सो अगर आपके पिंपल प्रोन स्किन है तो आपको ऑयल फ्री कॉस्मेटिक यूज करने हैं, जेल बेस्ड या लोशन, थिक क्रीम्स नहीं करनी जिससे कि आपके पोर्स ऑक्लूड हो। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। स्पेशली आपने देखा होगा जो फीमेल्स आर ऑलवेज इन मेकअप, तो अब उनके पोर्स ऑक्लूड रहे पूरा दिन, तो पिंपल्स आने के ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, एक्ने पिंपल्स दवाई से तो फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो जो निशान हो जाते हैं कहीं रेड, कहीं ब्लैक, दैट्स अ नाइटमेयर। हाँ, तो आपके जो पिंपल्स महाराज हैं वो तीन तरह की आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, रेड मार्क्स, ब्लैक मार्क्स या स्कार, जिन्हें गड्ढे कहते हैं। ब्लैक मार्क्स एंड रेड मार्क्स इतना बड़ा इशू नहीं है, वो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो कुछ क्रीम्स प्रिस्क्राइब करेंगे, 1-2 महीने में वो चले जाएंगे, गुड बाय हो जाएगा। बट अगर स्कार्स रह गए तो फिर वो उसके लिए आपको लेजर्स ही कराने पड़ेंगे, वो किसी भी क्रीम से जो भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं उनसे वो नहीं जाने वाले। स्कार रह गया तो फिर आपको लेजर ही करवाना है, और अब आपके पिंपल से वो स्कार बने ना, तो उसके लिए आपको सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है, बहुत इजी है। जैसे ही पिंपल आए आप जल्दी से एंटी पिंपल क्रीम लगा कर उनको भगा दो। अगर आपने उनको टाइम दे दिया अपनी स्किन पे रहने का, तो आपने पिंपल को टाइम दे दिया कि वो आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रॉय करेंगे तो मार्क्स एंड स्कार्स रहेंगे। तो पिंपल्स को जल्दी ठीक कर दो, पिंपल आएगा जाएगा, स्कार्स और मार्क्स नहीं रहेंगे। एंड सेकेंडली, अगर आपने उनको फोड़ा, वहां आपका स्कार आया, फोड़ना नहीं है, प्लीज रेजिस्ट योर टेम्पटेशन, कुछ और फोड़ दो, गुस्सा कहीं और निकाल दो, बट प्लीज उस बेचारे पिंपल को मत फोड़ो, नहीं तो स्कार रह जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर अन्विका से, जिन्होंने हमें इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है कि अगर आपको एक्ने पिंपल्स हैं तो सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराइए, और अगर निशान रह गए हैं तो फिर तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत पॉकेट खाली करनी पड़ेगी लेजर्स के लिए।